सभी को मेरा नमस्कार। मैं रिद्धि सेठी दृष्टि में मनोवैज्ञानिक हूँ। आज मैं आप सबसे बात करूँगी कि कैसे माता पिता और शिक्षक अपने बच्चों के आवेगी व्यवहारों को प्रबंधित कर सकते हैं। बच्चों में आवेगी व्यवहारों में शब्दों को धुंधला करना, बिना सोचे समझे जवाब दे देना, परिणामों पर विचार किए बिना निर्णय ले लेना और अधीर होना, ये सभी शामिल है। आवेगी व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ चरणों को आप अपना सकते हैं, जैसे कि अपने बच्चे की भावनाओं को लेबल करने में मदद करें और जब भी वो निराश हैं तो वो कितने निराश हैं ये वो मौखिक रूप से बता सकें, इसकी सीख दें। एक स्पष्ट नियम बनाएं और उन नियमों के पीछे का कारण भी अपने बच्चे को बताएं। जब भी वो किसी नए स्थिति में प्रवेश करने वाले हैं तो उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वो जाने, और बच्चों को माइंडफुलनेस का अभ्यास कराएं। एक चीज़ चुनने के लिए उनकी मदद करें और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 इंद्रियों का उपयोग करना सिखाएं। जब भी वे आवेगों को नियंत्रित कर सकें सफलतापूर्वक तो उन्हें पुरस्कृत कीजिए। और बच्चों के खेलने के समय में एक ऐसा गेम, कुछ ऐसे गेम्स भी जोड़ें जो उनके आवागी व्यवहारों को नियंत्रित करने में मदद कर सके। अपने बच्चे के स्क्रीन समय को सीमित रखें और जब भी संभव हो एक शौक यानी कि एक हॉबी उन्हें खेलने या लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करें। और ये सारी चीज़ें आप भी अपनाएं तो ही आपके बच्चे आपको देखकर भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। धन्यवाद।